नमस्कार दोस्तों, पाप करते समय मनुष्य ये नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से पता चलता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे कठिन से कठिन दुख भोगने को विवश कर देता है। इसीलिए इंसान को पाप करते समय 10 बार सोचना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि पाप मनुष्य का कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य को भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह किसी मनुष्य का दिल दुखाता है तो उसे उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम आपको श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य बहुत दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने ना तो अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर ली है। मैंने इस प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ, सो इसका क्या कारण हो सकता है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वह वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए, मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब आपसे हमने आपके दर्शन करे हैं। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट आप अवश्य ही दूर करेंगे। अतः आप हमको राजा को पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसी समय की बिहाई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा को राजा बनना पड़ा और प्यासी गो को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस सब पर लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के 6 होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा
एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों के को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के अनुसार बताए विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है।